अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद फुरकान कराची से। आज मैं अपने दो वाक्य शेयर करूँगा जो मेरे साथ पेश आए, जो मैंने अपनी आंखों से देखे, और वही आपके साथ शेयर करूँगा। पहला जो मेरा वाक्य है ये काफ़ी पुराना है, तकरीबन आज से 18-19 साल पहले का ये वाक्य है। और ये जो वाक़िया है मेरे साथ पेश आया, कराची का एक इलाका है खोखरा पार्क, जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते होंगे। और तब 18-19 साल पहले की हम बात करें तो ये इलाका काफ़ी बहुत ज़्यादा सुनसान हुआ करता था, और तब ये जंगल नुमा इलाका था। आबादी तो ना होने के बराबर थी, गिनती के कुछ घर होंगे, अब तो हो गई है लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम अक्सर वहाँ जाया करते थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, हमारी मतलब काफ़ी बनती थी, हम उनके घर पे जाते थे, वो हमारे घर पे आते थे। तो जब भी हमें जाता था तो उनके घर से जो पहले एक दो गलियाँ आती थी, काफ़ी पतली गलियाँ थी जहाँ से सिर्फ मोटरसाइकिल गुजर सकती थी, फोर व्हील गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती थी। और उस गली से भी पहले एक ऐसा मतलब के एक जगह आती थी जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी और काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में दरख्त थे और काफ़ी घने दरख्त थे। तो जब भी मैं जाता था मैं उस जगह से वैसे ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। तो अकेला में कभी भी अगर मुझे किसी कुछ काम के लिए या कुछ चीज़ लेने के लिए भी जाना है तो मैं अकेला कभी भी उस जगह से नहीं गुजरता था, इतना ज़्यादा मैं खौफज़दा था उस जगह से और उस गली से। तो हम जो थे, हमारे रिश्तेदार की तरफ से हमें दावत आई, हम लियारी में रहते थे, तो पूरी फैमिली की दावत थी। मेरे घर वालों ने सोचा कि हम जो है रात के टाइम निकलेंगे, मगरिब के बाद निकलेंगे हम। तो ऐसा ही हुआ, हम जो है निकल गए यहाँ से, 2-2.5 घंटे का रास्ता होगा। तो हम वहाँ पहुँचे, तकरीबन कुछ 10-11 बजे का टाइम था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर के बीच में यह है कि एक दो गलियां आती थी जहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और उससे भी पहले काफ़ी कच्चा रास्ता था जहां झाड़ियां वगैरह थी। तो हमने ये सोचा कि गाड़ी जो है हम थोड़ी पीछे खड़ी कर देंगे, ड्राइवर भी वहीं होगा और हम जो है पैदल पैदल चले जाएंगे वहाँ। ऐसा ही हुआ, हम चले गए, गाड़ी वहीं खड़ी कर दी ड्राइवर के साथ, और हम पैदल पैदल वहाँ निकल गए वॉक करते करते। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल था, हर बंदा यह है कि अपने अपने काम में लगा हुआ था। तो जैसे घंटे डेढ़ दो घंटे बाद जब खाना स्टार्ट हुआ तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ये खाना मेरे हाथ में दिया और कहा कि ये जाओ ड्राइवर को दो। तो जैसे ही मैं खौफ ज़्यादा था उस इलाके से और उस गली से उस जगह से, तो जैसे तैसे करके भी यह है कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि दे के आओ। मैं अकेला था, मैं हिम्मत करके चला गया, क्योंकि बच्चे थे, बच्चों को आप कहोगे मतलब कि चला गया मैं। जैसे ही मैं गया मैंने ड्राइवर को खाना दिया, तो वापसी में आया घर पर दूसरा कुछ सामान था, फिर मैं लेकर गया, मैंने उसको वो भी दिया। जब मैं वापसी में आ रहा था तो यह है कि एक जगह पर मेरी नज़र पड़ी, काफ़ी मतलब कि झाड़ियों वाला इलाका था, वो जगह थी और एक दरख्त था और काफ़ी ज़्यादा घना दरख्त था वो। तो उस दरख्त के नीचे एक मैंने बच्चे को देखा, मुझे आज भी बिल्कुल साफ साफ याद है वो कैसा दिखता था, वो क्या कर रहा था, मतलब एक एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे तरीके से याद है। जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, दरख्त के बिल्कुल नीचे टेक लगाकर बैठा हुआ था, उसके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं थे, ठीक है, और उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल मतलब के एक इतना खौफनाक मंजर पेश कर रहा था ना, मतलब बहुत अजीब था वो। वो एक बॉल से खेल रहा था, बहुत ज़्यादा खौफनाक था वो। तो मैंने जैसे उसको देखा तो
तो मैंने जो है समझ गया, मैंने तो देख लिया कि रात के तकरीबन 10-11 बज रहे हैं, इतनी तो समझ थी कि इस टाइम पे कोई बच्चा इस तरह से नहीं खेल सकता। हम ख़ुद भी बच्चे थे, लेकिन जो उस टाइम जो सिचुएशन थी कि टाइम क्या हो रहा है, जगह कैसी है, और कोई ऐसा नॉर्मल बच्चा तो ऐसे कोई दरख्त के नीचे बैठकर इतने अंधेरे में और कोई दूसरा उसके पास आसपास कोई हो भी ना, तो कोई नहीं, इंसान हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं भागता हुआ गया उस घर की तरफ। जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरी वालदा थी, मैं अपनी वालदा से जाकर चिपक गया, मेरी खालाएं भी थी, रिश्तेदार वगैरह भी थे, तो सब परेशान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। मेरे जो होंठ है वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, और मेरी वालदा बताती है, और मैंने जो फील किया, मैं बिल्कुल कांप रहा था, बहुत ज़्यादा कांप रहा था मैं, और जिस्म मेरा बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ था। तो जब पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्या मसला है, तो समझ गई मेरी वालदा, जो मेरी हालत देखी उन्होंने, कि इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, इसने ज़रूर कुछ देखा है। तो उस वक्त तो यह है कि कुछ मैंने नहीं बताया, लेकिन जब बाद में मेरे से पूछा गया तो मैंने बताया कि ऐसे मैंने वहाँ एक चीज़, एक दरख्त के नीचे एक बच्चे को देखा जो बहुत ज़्यादा खौफनाक था और बहुत ज़्यादा अजीब था वो। तो मैंने ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उस टाइम तो खैर मैं बच्चा था, तो ये पहली बार था जो मैंने इस चीज़ को देखा था, और बहुत करीब से देखा था। और तकरीबन जब मैंने उस बच्चे को देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 70-80 मीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं था वो, इतना करीब था मेरे, और बिल्कुल क्लियरली मैंने उस चीज़ को नज़दीक से देखी थी। तो ये एक वाकिया था जो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। तो दूसरा वाकिया मेरा ये है कि मेरे एक रिश्तेदार जो थे वहाँ रहते थे, बल्दिया में रहते थे, ये भी कराची का ही इलाका है, बल्दिया टाउन से थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो नेवल कॉलोनी है, वहाँ जो है रहते थे, अभी भी रहते, हालांकि हम ख़ुद भी जब भी यहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन उस टाइम तकरीबन 15-16 साल पहले ये कि हम जो थे वही लियारी में रहते थे। तो यहाँ हम आ रहे थे, किसी की शादी में आ रहे थे हम, यहाँ से हमें दावत आई थी। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो मैं तो खैर काफ़ी दिन से यहाँ रुका हुआ था, और ये वाकिया जो है तकरीबन वो वाला वाकिया मेरा जो है वो काफ़ी पहले, उसमें मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन ये जो मेरे साथ पेश आया था इसमें मैं समझदार था। तकरीबन मेरी उम्र होगी कोई 10 साल से ऊपर ही थी मेरी उम्र, समझ थी मेरे को अच्छी खासी समझ थी। तो मैं काफ़ी दिन से अपने यही रिश्तेदारों के घर रुका हुआ था, तो शादी का प्रोग्राम चालू था। तो मेरी आदत थी, मुझे शुरू से जो है वो खुशबू का बड़ा शौक़ है, अतर हो गई, परफ्यूम्स हो गए, तो मुझे इनका बड़ा शौक़ है। तो मैं जो है मैंने तैयार वगैरह हुआ, मैंने खुशबू लगाई, परफ्यूम तो खैर मैंने नहीं लगाया, मैंने अच्छे से मुझे याद है मैंने जो अतर लगाई थी, मगरिब के टाइम शुरू हो गया था प्रोग्राम, मैंने खुशबू लगाई। तो रात तक ये है कि मेरे घर वाले भी आ गए थे सब, और मेरे जो यार दोस्त है हम जो है काफ़ी जो लेडीज़ वगैरह हैं वो अंदर घर में थी, जेंट्स बाहर थे जो टेंट में बाहर बैठे हुए थे, और बकाया जो हम लड़के थे मेरी हम उम्र, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, रिश्तेदार भी थे, हम थोड़ा घर से थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर, टेंट से भी थोड़ा सा दूर हम खेल रहे थे। तो अचानक ऐसा होता है कि मेरे सर में जो है ना बहुत शदीद दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा, इतना दर्द होने लगता है कि मेरे से बात भी नहीं की जा रही है। तो जब मज़ीद सर का दर्द बढ़ने लगा तो मैंने ये फैसला किया कि मैंने उनको बोला जिनके साथ मैं मतलब खेल रहा था, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, मैंने बोला यार तुम लोग जो है खेलो, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मैं आराम करूँगा, मेरे सर में दर्द है। तो घर में ये है कि सोने की तो जगह थी नहीं, काफ़ी ये है कि लेडीज़ मतलब बहुत ज़्यादा रश था, और मैंने जब उसमें टेंट में देखा तो कुछ जगह मेरे को नज़र आई, तो मैंने कहा कि यहाँ थोड़ा लेट जाता हूँ।
तो मैं जो है वहाँ जाके लेट गया, बिल्कुल लेट गया। सर का दर्द ये है कि बढ़ता चला जा रहा है और जो है काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं जाकर लेट गया, यहाँ तक मुझे याद है कि मैं जाकर वहाँ ज़मीन पर लेट गया, दरी बिछी हुई थी। लेकिन जब मेरी आँख खुली है तो मैंने खुद को ऐसी जगह पर पाया कि वो जगह मैंने कभी देखी नहीं थी। उसी इलाका वही था, वही इलाका था, लेकिन मैंने उस जगह पर मैं कभी गया नहीं था, मुझे उस जगह का रास्ता नहीं पता था। तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये देखा कि एक रोड था, ठीक है, मैं उस रोड पे चल रहा था, और एक आदमी था जो मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा था, वो मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हाथ से पकड़ कर हिलाया। तो इस तरह से मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं सुबह का टाइम है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई धूप भी निकल चुकी थी, 9 बजे का टाइम होगा। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो मैं काफ़ी घबरा गया, डर गया कि मैं कैसे आया यहाँ, मतलब कि मैं चल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो जैसे ही उसने मुझे हिलाया, मैं उठा, तो मैंने यह है कि आसपास देखा, और खैर उस इलाके को तो मैं इतने अच्छे तरीके से जानता नहीं था, लेकिन मैंने जब एक दो बंदों से पूछा कि यहाँ कोई शादी हो रही है, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इस जगह पे आप ऐसे जाओगे। तो जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मैं इतना डर चुका था, मैं भाग भाग कर गया, सही है ना, भागते हुए गया, और मैंने बस कहा कि जिसी उस जगह वो घर मैंने देखा जो हमारा घर था जहाँ शादी हो रही थी, वहाँ पर मैं गया हूँ और मुझे सुकून आया और चैन आया। अच्छा, उस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। रात को जब मैं सोया था उस वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था, लेकिन जब सुबह मैंने देखा कि मैं चल रहा था किसी रोड पे, तब मेरा सर बिल्कुल हल्का हो चुका था। लेकिन मसला ये था कि मेरे को भी वो बात आज तक समझ नहीं आती है कि मेरे साथ हुआ क्या था। मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी नींद में नहीं चला, मेरे को कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मेरे को ऐसी बीमारी नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती है कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। ये एक मिस्ट्री है जो मैं, जिसका जवाब मेरे खुद के पास भी नहीं है। आप खुद ही सोचें कि एक बंदा सो रहा है एक जगह पर, मैं जाकर गया हूँ, टेंट में सोया हूँ, ठीक है ना, तो टेंट में सोया हूँ, यहाँ तक मुझे याद है कि मैं लेटा रहा हूँ, लेकिन जब आँख खुलती है तो मैं एक जो है नामालूम जगह पर चल रहा हूँ, और सोया रात को हूँ, उठाऊँ तो सुबह है, सुबह के 9 बज रहे हैं, और रोड पे जा रहा हूँ मैं, एक बंदा आता है मुझे हिलाता है और मैं जो है आंखें खोलता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं रात को ही उस जगह से निकल गया हूँ, पूरी रात घूमता रहा हूँ, या मुझे नहीं पता कि मैं सुबह के टाइम निकला हूँ, लेकिन ये वाकया मेरे साथ पेश आया। और जो मुझे लगता है, जो मुझे महसूस होता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई खुशबू वगैरह लगा ली थी शायद। तो काफ़ी सन्नाटा था इलाका, ऐसा वीरान इलाका था, काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थी, तो ये चीज़ें वैसे भी अट्रैक्ट होती है खुशबू वगैरह लगाने से, या ज़्यादा बंदा अगर तैयार हो जाए तो। उस जगह से कोई भारी जगहें होती है जिससे, जहाँ से अगर बंदा गुजरे तो वो चीज़ें उस पर थोड़ी हावी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ था।